आपने देखा हाई प्लैंक करेक्ट हो गया। सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए फिर से बॉडी को स्लाइड कीजिए ऐसे और फिर एल्बो को बेंड कीजिए, होल्ड कीजिए। 5 4 3 दोस्तों आज मैं आपको सिखा रही हूँ कि चतुरंगा दंड आसन का अभ्यास कैसे किया जाता है। इस आसन को इंग्लिश में कहते हैं 4 Limbed Staff Pose। इस आसन का अभ्यास अगर आप करते रहते हैं तो यकीन मानिए कुछ ही दिनों में आपके शरीर में गजब की स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी। आपके आर्म्स में यानी बाजुओं में मजबूती आप महसूस करेंगे, आपकी एब्डोमिनल मसल्स मजबूत हो जाएगी यानी कोर स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी। और इसका अभ्यास करते रहने से जब स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है ऑटोमेटिकली बॉडी में एक तरीके का कॉन्फिडेंस आप देखते हैं, आपकी इच्छा शक्ति यानी आपकी विल पावर मजबूत हो जाती है। हाँ, ये पोस्चर थोड़ा चैलेंजिंग है लेकिन घबराइएगा नहीं। ये स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए मैं आपको कुछ छोटे छोटे ऐसे अभ्यास बताऊंगी, कुछ ऐसी प्रिपरेटरी प्रैक्टिसेस बताऊंगी जिनका कि अभ्यास आपको निरंतर करते रहना है, तब आप आसानी से चतुरंगा दंडासन का अभ्यास कर लेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिएगा। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मेरे द्वारा जो ये प्रयास किया जा रहा है उससे आपको मदद मिल रही है और मेरा मोटिवेशन और भी ज़्यादा बूस्ट होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी, आइए बताती हूँ आपको वो सारे छोटे छोटे अभ्यास, वो सारे छोटे छोटे प्रिपरेशन जो आपको मदद करेंगे चतुरंगा करने में। तो सबसे पहले कलाइयों को और अपने बाजुओं को एक्टिवेट कर लेते, दोनों हाथों की इस तरीके से मुट्ठी बना ले ऐसे, और पूरी मुट्ठियों को ऐसे बना के ऐसे गोल गोल घुमाएं जिससे कि रिस्ट की जो मोबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप हो और उनके रिस्ट के आसपास यानी कलाइयों के आसपास की जो मसल्स हैं वो मजबूत हों। ऐसे जिनके कलाइयों में बड़ा दर्द रहता है उनको भी ऐसे अभ्यास से बहुत ही मदद मिलेगी। ऐसे लगभग 10 बार अभ्यास करने के बाद अब ऑपोजिट साइड, पहले क्लॉकवाइज घुमाया यानी घड़ी घूमने की दिशा में और अब एंटी क्लॉकवाइज 5 6 7 8 9 10। अब उंगलियों को और कलाइयों को एक साथ, दोनों हाथ की उंगलियों को इस तरीके से एक दूसरे के साथ जोड़ा, फंसा लिया, ऐसे फंसा लिया और फंसाने के बाद अब दोनों हाथ की हथेलियों को ऐसे ही जोड़कर जोर की मुट्ठी बनाएं, 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 छोड़ दें। और अब इसी तरीके से जोर की मुट्ठी बनाने के बाद दोनों हाथ की हथेलियों को जोड़कर ऐसे पूरा 360 डिग्री ऐसे घुमाएं, ऐसे पूरा 360 डिग्री घुमाते रहें। इससे कलाइयाँ और साथ ही उंगलियों पर बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा है। ऐसे अब हाथों को ढीला छोड़ें, छोड़ दें ढीला अच्छी तरीके से, छोड़ दें बहुत अच्छी तरीके से, छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें। अब आराम से इस तरीके से टेबल टॉप पोजिशन पर आ जाएँ, टेबल टॉप पोजीशन पे ऐसे आ गए। और अब ध्यान रखिए कि अब हम जो है एक्टिवेट कर रहे हैं अपने पूरे के पूरे हाथों को। तो टेबल टॉप पोजीशन पे कैसे आएंगे, दोनों घुटनों के बीच में कमर जितना फासला रखेंगे, ऐसे जोड़ के नहीं रखेंगे, दोनों के बीच में ऐसे फासला रखा और सामने देख रहे हैं ऐसे, और दोनों पाम्स को ऐसे मजबूती से सारी की सारी उंगलियों को एक दूसरे से दूर करके ऐसे रखें, ऐसे ऐसे जैसे कि स्पाइडर का वेब होता है ना, मकड़ी का जाला होता है, उसी तरीके से ऐसे सामने देख रहे हैं। अब धीरे से अपनी बॉडी का वेट अपनी पूरी की पूरी उंगलियों पर शिफ्ट किया ऐसे, और फिर वापस से पीछे आ गए, धीरे से अपनी बॉडी का वेट कलाइयों से अपनी उंगलियों की तरफ शिफ्ट किया और फिर वापस आ गए, ऐसे धीरे धीरे बॉडी का वेट आगे शिफ्ट किया और फिर पीछे आ गए। तो ये सारे के सारे वार्म अप हो रहे हैं ताकि कलाइयों का और आपकी पूरी उंगलियों की स्ट्रेंथ अच्छी तरीके से डेवलप हो जाए, ऐसे ऐसे। अब जरा अपने हाथ की, राइट हाथ की कलाई को पहले आपने ऐसे सामने रखा था और इसको घुमा दे ऐसे अंदर की तरफ और होल्ड करें 1 2 3 4 5। अब इसको वापस से पहली वाली पोजीशन पे लेके आए और लेफ्ट पाम को भी ऐसे होल्ड करें 1 2 3 4 5। फिर से राइट को 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद फिर से 1 2 3 4 5। ऐसे ही कम से कम 5 से 10 बार अंदर की तरफ करें तो जिससे कि कलाइयों पर बहुत अच्छा आप इसका दबाव महसूस करेंगे। कलाइयाँ जब मजबूत होंगी तो बॉडी का वेट आराम से आप अपने की हथेलियों पर बैलेंस कर पाएंगे ऐसे।
अब आराम से ऐसे वज्रासन में बैठ जाएं, अपनी हील्स पर बैठ जाएं और अपनी हाथों को फिर से ऐसे झटका दें, थोड़ा सा आराम दें इस तरीके से, ऐसे ऐसे। तो इस तरीके से तो हमने अपने कलाइयों के आसपास और सारी की सारी हाथ की उंगलियों को एक्टिवेट कर लिया। अब ज़रा इस तरीके से टेबल टॉप पे पोजीशन पे आइए और हाई प्लैंक पोजीशन पे आते हैं। हाई प्लैंक पोजीशन को कम से कम 10 सेकेंड होल्ड करके रखेंगे। तो सामने देखें और धीरे धीरे राइट पैर को ऐसे सीधा कर लें और फिर लेफ्ट पैर को ऐसे सीधा कर लें और बॉडी को कम से कम इस तरीके से होल्ड करके रखें। दोनों पैरों के बीच में कमर जितना फासला रख रखा है, होल्ड किया 10, 9, 8, सांस लेते रहें छोड़ते रहें, ध्यान अपनी नाभि पर, नेवल रीजन पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, फिर से ऐसे घुटना ड्रॉप कर दें। तो इस तरीके से हाई प्लैंक पोजीशन को होल्ड करना कम से कम 10 सेकेंड, 3 बार 3 सेट। चलिए दूसरी बार होल्ड करें, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, फिर से घुटना ड्रॉप कर दें। और बीच बीच में अगर रेस्ट करना चाहे तो रेस्ट भी कर लें। चलिए तीसरी बार सांस लें और चाहे तो सांस रोक कर, अगर आपकी सांसों के रोकने की प्रैक्टिस अच्छी है तो सांस रोक लें, अदरवाइज सांसें नॉर्मल लेते और छोड़ते रहें। ध्यान अपनी नाभि पर रखें, कमर को ऐसे बहुत ना उठाए रहें ऊपर या बहुत ज़्यादा ऐसे नीचे ड्रॉप करके ना रखें, एकदम कमर जो है कंधे के लेवल पर, और सामने देखें नीचे नहीं देखें, इससे बॉडी का पॉस्चर सही रहता है और मसल्स की इंगेजमेंट बना के रखें। अब आराम से अपने घुटने को ड्रॉप कर दें और अपनी हील्स के ऊपर यानी अपनी एड़ी के ऊपर बैठकर अपने दोनों हाथों को ऐसे खींचते हुए अपने हेड को ड्रॉप कर दें। अब हाई प्लैंक पोजीशन होल्ड करने के बाद आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि बाजुओं में कितनी अच्छी मजबूती आ गई, साथ ही एब्डोमिनल मसल्स भी आपकी इंगेज थी, इंगेज का मतलब कि आपने हल्का सा टाइट करके रखा था तो इसका भी इफेक्ट आ गया। अब हाई प्लैंक के बाद साइड प्लैंक, तो आप फिर से टेबल टॉप पोजीशन पे आएं, ऐसे टेबल टॉप पोजीशन पे आके राइट पैर सीधा करें, लेफ्ट पैर सीधा करें, ऐसे। अब धीरे से बॉडी वेट अपने लेफ्ट पाम पर जब शिफ्ट करें तो लेफ्ट हाथ को सेंटर पे लेके आए ऐसे, फिर उसके बाद अपने बॉडी का वेट अपने लेफ्ट पैर के पंजों पर, दोनों पैर के पंजों पर और लेफ्ट हाथ पर ऐसे शिफ्ट कर दिया और होल्ड करें पोस्चर को 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे बहुत ड्रॉप करके मत रखिएगा ऐसे। और फिर उसके बाद यही अभ्यास हम लेफ्ट साइड करेंगे, सांस लें और सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ ऐसे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो ऐसे ही इसका अभ्यास आप राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड करें। अब यहाँ पर एक बारीकी मैं आपको बता दूँ ज़रा कि जब आप साइड प्लैंक करें तो बहुत से लोगों के लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कि दोनों पैरों को ऐसे एक दूसरे के ऊपर रख के होल्ड करना। तो ऐसे एक पैर चाहे तो आगे रख लें, ऐसे होल्ड करें, कमर को बहुत नीचे ड्रॉप करके ना रखें, ऐसे होल्ड करके रखें सेक्टर पे, ठीक है। तो इस बारीकी का भी ध्यान रखें। और इसके बाद फिर से अपनी एड़ी पर बैठ गए हैं और धीरे से अपने दोनों पाम को ऐसे मैट पर स्लाइड किया, चेस्ट को ड्रॉप किया और फिर फोरहेड को ड्रॉप करके रेस्ट करें, कम से कम 1 से 2 मिनट रेस्ट करें हर एक प्रैक्टिस के बाद। आइए अब अगला अभ्यास करते हैं जो कि हमारे बाजुओं में बड़ी अच्छी मजबूती डेवलप करेगा। अभ्यास कर रहे हैं भुजंग आसन पुशअप का। तो आराम से आपने क्या करना है कि पेट के बल ऐसे लेट जाना है, पेट के बल लेट गए, अब दोनों हाथ की हथेलियों को ऐसे छाती के साइड में रखें और दोनों पैर की एड़ियों को एक दूसरे के साथ जोड़ के बड़े अंगूठे को ऐसे बाहर की तरफ खींच के रखें, है ना। और फिर उसके बाद हेड को ड्रॉप कर दें ऐसे मैट पर, सांस लें हेड अप चेस्ट अप 1 और सांस छोड़ते हुए हेड डाउन चेस्ट डाउन, सांस लेते हुए हेड अप चेस्ट अप 2, सांस छोड़ दें 3, सांस ले लें सांस छोड़ दें, ऐसे ही अभ्यास करें, सांस ले लें 4 और ड्रॉप कर दें, सांस ले लें 5 और सांस छोड़ दें, सांस ले लें 6 और सांस छोड़ दें। ध्यान रखें कि बहुत ही ऊपर ऐसे करके ऐसे ना उठाएं। बहुत से लोग क्या करते हैं भुजंगासन करते वक्त अपने दोनों हाथ की जो कुहनियां हैं उसको ऐसे सीधा कर देते हैं जिस और पैर जोड़ के रखते हैं, जिससे कि उनकी लोअर बैक पर बड़ी ही
दिक्कत आती है। तो जब एड़ियां आपकी जुड़ी हुई हैं तो आपको इतना बस उठाना है, ऐसे बहुत ऊपर ऐसे नहीं उठा देना, एल्बो को बेंड रखना है नाभि को मैट पर, ऐसे सांस ले और सांस छोड़ दें। सांस ले तो इससे क्या होगा कि आपके बाजू बड़े मजबूत हो जाएंगे। फिर से इस अभ्यास को करने के बाद अपनी एड़ियों के ऊपर बैठ जाएं, दोनों घुटनों के बीच में फासला कर लें, बेली को अपने दोनों घुटनों के बीच में जाने दें और दोनों हाथों को ऐसे स्ट्रेच करें, हेड डाउन कर लें, सांस लें, सांस छोड़ें। तो हमने भुजंगासन पुशअप किया है, इसका भी अभ्यास आपने 3 सेट करना है। आप 10-10 के रिपीटेशन कर लें या 15-15 के रिपीटेशन कर लें और 3 से 4 सेट जरूर करना है ये सारे अभ्यास। अब ये अभ्यास करने के बाद अब आइए पहले मैं आपको हाफ चतुरंगा दंडासन कैसे करना है वो बताती हूँ। हाफ चतुरंगा दंडासन जब आप कर लें तो फिर उसके बाद लास्ट में फुल चतुरंगा दंडासन बताऊंगी, ठीक है? तो टेक्निक देखिए, तो पहले मैं बिना किसी सपोर्ट के बता रही हूँ, फिर अब सपोर्ट के साथ बताऊंगी। तो इस तरीके से आप टेबल टॉप पोजीशन पे आ जाएं, सामने देखें। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को ऐसे सीधा करें, ऐसे पेट की मांसपेशियों को इंगेज करके रखें, यानी वहां पर ध्यान लगा के रखें, अपनी नाभि पर के आसपास की मसल्स को टाइट करके रखें, सामने देखें। अब हाफ चतुरंगा पहले इसी तरीके से हाई प्लैंक पे घुटने को वहीं पर ड्रॉप कर दें जहां पर थे, ऐसे, और फिर उसके बाद क्या करें, बॉडी को स्लाइड करें ऐसे। ये है मेन चीज जो आपने स्लाइड करनी है, ऐसे हल्का सा स्लाइड करें और स्लाइड करने के बाद एल्बो को हल्का सा बेंड करें और होल्ड करें। 5, 4, 3, 2, 1। देखा आपने? अगर आपने ये चीज नोटिस नहीं की फिर से देखिए, टेबल टॉप पोजीशन पे आ गए, दोनों पैरों को ऐसे सीधा किया और ये ध्यान रखें कि जब आप टेबल टॉप पोजीशन पे हैं तो फिर उसके बाद बॉडी को आगे पीछे मूव मत कीजिए, आपकी एल्बो की पोजीशन करेक्ट होना इज रियली रियली इम्पॉर्टेंट। तो आपकी जो कुहनी है ना, इसके पीछे का हिस्सा आपकी बॉडी की तरफ है और आपकी कुहनी का सामने का हिस्सा आपके सामने दीवार की तरफ है, ऐसे ऐसे सारी उंगलियां दीवार की तरफ, कलाई आपकी बॉडी की तरफ, ऐसे। और फिर से धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को आपने ऐसे सीधा किया है ना, पेट की मांसपेशियों को टाइट कीजिए, घुटनों को वहीं पर ड्रॉप कीजिए। अब ये टेबल टॉप पोजीशन थी, अब धीरे से ऐसे बॉडी को आगे स्लाइड कीजिए, एल्बो को बेंड कर लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। यानी चेस्ट ड्रॉप नहीं की है, वहीं पर होल्ड करके रखा है। दोस्तों अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस में। देखिए अगर आप जूम क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो ये क्लासेस सुबह 7 बजे या शाम के 7 बजे होती है, जिसमें आप मुझे देख सकते हैं, मैं आपको देख सकती हूँ और मेरी निगरानी में रह के आप योग का अभ्यास करते हैं। आपको किसी भी तरीके की हेल्थ कंडीशन यानी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिसीज़ हो, चाहे डायबिटीज़, थायराइड, ओबेसिटी की समस्या हो, आपको ब्लड प्रेशर घट जाता है, बढ़ जाता है, माइग्रेन की समस्या, आपको वर्टिगो का प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन है, नी पेन है, तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। दूसरा ऑप्शन भी है कि अगर आप सुबह 7 बजे और शाम के 7 बजे जो जूम क्लासेस होती हैं उनको नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे द्वारा डिज़ाइन किए हुए योगा कोर्सेज, जो कि सीक्वेंस इतने यूनिक हैं कि ये आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये मेरा जो भी एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैंने बहुत यूनिक सीक्वेंसेस इस तरीके से डेवलप किया है कि बिगनर्स इसको आसानी से कर लें और ये 100% बिगनर फ्रेंडली है। आपको करना है क्या है कि नीचे जो ये वेबसाइट मैंने शेयर की हुई है, या तो इस वेबसाइट में जाके विजिट कर लीजिए या कि आप सिंपल मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए इस नंबर पर, ताकि आपको मेरी टीम के द्वारा सारी की सारी डिटेल आपको भेज दी जाए और फिर उसके बाद रेस्ट करें। अगर आप करते रहते हैं तो गजब की स्ट्रेंथ तो डेवलप हो जाएगी, इतने में ही डेवलप हो जाएगी। लेकिन अगर ये भी नहीं आ रहा है तो मैं आपको योगा ब्लॉक की मदद से बता रही हूँ कि आप चतुरंगा किस तरीके से होल्ड करेंगे हाफ चतुरंगा शुरू शुरू में। देखिए जब मैंने ये अभ्यास करना शुरू किया था, सीख रही थी अभ्यास करना, तो छाती का बहुत ही ज़्यादा वेट लगता था, कलाइयों में इतनी मजबूती नहीं थी, बाजुओं में इतनी मजबूती थी ही नहीं, मतलब मैं सोचती थी कैसे लोग चतुरंगा होल्ड कर पाते हैं, और यही सारी टेक्निक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए आपके पास अगर योगा ब्लॉक नहीं है तो आप 2 ईंट ले लीजिएगा, घर के आसपास जो ईंट हो, ब्रिक हो,
तो उसको ले लीजिएगा। तो मेरे पास ये आ गई दो योगा ब्लॉक। तो इन योगा ब्लॉक्स को मैंने ऐसे रख लिया, टेबल टॉप पोजीशन पे आ गई। टेबल टॉप पोजीशन पे आने के बाद इनको अपने हाथ के एकदम से शोल्डर लेवल के डिस्टेंस पे रखा, ज़्यादा दूर नहीं रखेंगे ऐसे, ये योगा ब्लॉक की मदद से। अगर आपको योगा ब्लॉक खरीदना है तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, आप अमेजन से ऑर्डर करके आसानी से मंगवा सकते हैं। सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए देखिए बॉडी वेट ऐसे शिफ्ट किया, या तो पहले घुटनों को ड्रॉप कीजिए, है ना, घुटनों को ड्रॉप करके और फिर ऐसे और फिर रिलीज कर दें और रेस्ट करें। अब बारी आ गई आपको सिखाने की कि किस तरीके से हम चतुरंगा दंडासन का अभ्यास करेंगे। तरीके से आप टेबल टॉप पोजीशन पे आ जाए। टेबल टॉप पोजीशन में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपकी कलाई, आपकी एल्बो, आपकी शोल्डर एक लाइन में हो जाए और पोस्चर एकदम सही हो। स्टेप बाय स्टेप टेक्निक के साथ आप दोनों पैरों को ऐसे सीधा कर लें, ऐसे सीधा कर लिया, सामने देखा, हाई प्लैंक करेक्ट हो गया। सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए फिर से बॉडी को स्लाइड कीजिए ऐसे और फिर एल्बो को बेंड कीजिए, होल्ड कीजिए। 5 4 3 2 1। तो इस तरीके से आप जब ये अभ्यास छोटे छोटे जो मैंने इसके पहले बताए हैं वो करते रहते हैं तो आसानी से स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है। एक बार और देखिए, टेबल टॉप पोजीशन पे आ जाएं, अपनी सारी उंगलियों को दीवार की तरफ, कलाइयों को बॉडी की तरफ और धीरे धीरे टेबल टॉप पोजीशन पे ऐसे आ गए हैं। सांस लिया और सांस छोड़ते हुए एल्बो को बेंड कर दिया और फिर वापस से रेस्ट किया। तो ये हो गया चतुरंगा दंडासन का अभ्यास। इस तरीके से ना कर पाए तो ईंटों का सहारा ले लें। ईंटों का सहारा ले लिया ऐसे कंधे के लेवल पर, दोनों ईंटों को रख दिया या योगा ब्लॉक को रख दिया ऐसे और दोनों हाथों को योगा ब्लॉक के पास में रखा, दोनों पैरों को ऐसे धीरे धीरे सीधा कर लिया, ऐसे सीधा कर लिया, सांस लिया और सांस छोड़ते हुए ऐसे बॉडी वेट को स्लाइड करें और दोनों कंधों को शोल्डर पर, इसके योगा ब्लॉक पर ड्रॉप कर दें ऐसे 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 और फिर रेस्ट करें। कई बार इसका अभ्यास, जितनी बार इसका अभ्यास कर सकते हैं उतनी बार इसका अभ्यास करें और गजब की स्ट्रेंथ डेवलप करें अपने शरीर में। और ये सारे अभ्यास करने के बाद आराम से आप अपनी मैट पर लेट जाएं। देखा आपने ये सारे छोटे छोटे जो प्रैक्टिसेस मैंने बताए, प्रिपरेटरी प्रैक्टिसेस मैंने बताए, इनका अभ्यास करते रहने से कुछ ही दिनों में आप गजब की स्ट्रेंथ डेवलप कर लेंगे और बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए चतुरंगा दंडासन का अभ्यास करना और शरीर को मजबूत बना लेना। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगी, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर मेरा प्रयास पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को जाने से पहले लाइक कर दीजिएगा। एक बात और, अगर आप चाहते हैं आपके द्वारा बताए हुए किसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए कौन सी टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और अभ्यास कंसिस्टेंट करते रहिए, निरंतरता बनाए रखिए अपने अभ्यास की। नमस्ते।